हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, राजस्थान बोर्ड। ठीक है, तो तीसरा लेक्चर है, दो लेक्चर में ला चुका हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारी ऐप आ चुकी है प्ले स्टोर पर लकी एजुकेशन, और ऐप पर हमने क्लास 10th साइंस RBSE का सिलेबस लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर लगभग 160 वीडियो जब अपलोड किए जा चुके हैं, और कंप्लीट यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, तो पूरी की पूरी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। घर बैठे आप कंप्लीट साइंस कवर करें मात्र 500 रुपये में। ठीक है, तो इस कोर्स को अवेल करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अपनी अच्छे मार्क्स लाएं कोर्स को अवेल करके। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे पृथ्वी पर काम करने वाले फोर्सेस। ठीक है, पहले हम थोड़ा छोटी क्लासेस में जो पढ़ गए हैं वो समझते हैं, फिर अपनी बुक में दे रखा है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो अर्थ में जो मूवमेंट होते हैं, अर्थ में आपको पता है बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, अर्थ में लगातार हलचल होती रहती है, पृथ्वी के अंदर भी हलचल होती रहती है और पृथ्वी के बाहर भी हलचल होती रहती है। अब पृथ्वी में जो हलचल होती रहती है, इसकी वजह से आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कई बार भूकंप देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, कई कई बार आपको वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा, वोल्केनिक इरप्शन जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी का फटना, ये चीज़ आपने देखी होगी। कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि सॉइल का इरोजन हो रहा है, कहीं पे डिपोजिशन हो रहा है। तो पृथ्वी पे लगातार जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज लगातार क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं। हमारी पृथ्वी में दो प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं, एक तो पृथ्वी के अंदर और एक पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, एंडो मतलब इनसाइड। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको एंडोजेनिक, और पृथ्वी के बाहर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस के भी दो टाइप हैं, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। हालांकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है तो आप बिल्कुल चिंता ना करना। ठीक है, तो पृथ्वी में मैंने बताया दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो अंदर उनको एंडोजेनिक, बाहर जो काम कर रहे हैं एक्सोजेनिक। अंदर भी दो प्रकार के, एक तो बहुत तेज गति से बहुत फास्ट या अचानक काम करते हैं, और एक है धीरे धीरे काम करते रहते हैं। तो धीरे धीरे जो फोर्सेस काम करते रहते हैं उसकी वजह से तो बनते हैं माउंटेन्स, जैसे अपना जो आज की डेट में हिमालयन माउंटेन है, ये कैसे बना था, हमारी जो इंडिया वाली प्लेट थी वो यूरेशिया वाली प्लेट से किसी ज़माने में टकराई थी, तो उसकी वजह से वो, पर ऐसा नहीं कि वो एक ही बार में टकराई, तो धीरे धीरे हिमालय को बनने में कई लाखों साल लगे। ठीक है, तो वो उसकी वजह से जो धीरे धीरे जो फोर्सेस काम करते हैं उनको डायस्ट्रोफिक बोलते हैं, और इसका रिजल्ट क्या है, माउंटेन्स का बिल्डिंग होना, मतलब माउंटेन्स का बनना, किसका एग्जांपल है, डायस्ट्रोपिक फोर्सेस का एग्जांपल है। और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं एंडोजेनिक, और ये पृथ्वी के भीतर काम कर रहे हैं। और सडन फोर्सेस में जैसे अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आपको पता है बता अचानक आते हैं झटके में, धीरे धीरे नहीं आते, बहुत तेज गति से आते हैं और मतलब बहुत बुरी तरह से विनाश कर देते हैं, तो ये इंटरनल एनर्जी की वजह से हो रहा है, अर्थ की इंटरनल एनर्जी। वोल्केनिक इरप्शन ये भी अचानक होता है, लैंडस्लाइड जमीन का फिसलना या खिसक जाना ये भी अचानक होता है। तो ये हुए हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस। दूसरे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, मतलब जो अर्थ की सरफेस पर बाहर की तरफ काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो इसमें आता है इरोजन और डिपोजिशन, दो चीज़ आती है, इरोजन और डिपोजिशन। आपने देखा होगा इरोजन का मतलब है किसी, जैसे मिट्टी का कटाव या पहाड़ों का इरोजन होना, ठीक है, धीरे धीरे उनका लॉस होते चले जाना। और दूसरा है डिपोजिशन। अब मान लो एक जगह पे इरोजन हो रहा है, मान लो मिट्टी कहीं से कटा हुआ, तो मिट्टी कहीं दूसरी जगह पे जाके जमेगी, सिंपल सी बात है। तो एक जगह पे इरोजन होगा तो दूसरी जगह पे क्या होगा, डिपोजिशन। जैसे माउंटेन्स का रिवर जो होती है माउंटेन से फ्लो करते हुए, जैसे हिमालय से कई सारी रिवर्स आ रही हैं, बहुत सारी रिवर्स आ रही है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, तो ये जो माउंटेन से होते हुए आती है तो माउंटेन्स का क्या करती हैं, इरोजन करती हैं। अब ये रिवर बाहर कर रही है, पृथ्वी की सर्फेस पर फ्लो कर रही है, तो कैसे फोर्सेस है, एक्सोजेनिक। तो ये इरोजन करती हैं तो अपने साथ क्या लेके आती हैं, सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट्स को प्लेन वाले एरिया डिपॉजिट कर देती हैं, तो वहां पर प्लेन का निर्माण करती हैं। ठीक है, अच्छा, इरोजन और डिपोजिशन करने वाले जो एजेंट हैं वो हैं आपकी रिवर्स, रिवर इरोजन करती हैं, विंड इरोजन करती है, हवा चलती है तो अपने साथ विंड सैंड ले आती है, हवा जब चलती है तो अपने साथ मिट्टी भी ले जाती है, सी वेव्स समुद्र की लहरें इरोजन करती हैं, ग्लेशियर्स ये भी मूव करते हैं तो इरोजन करते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमारी पृथ्वी पर भैया दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं, पहला फोर्स है आपका कौन सा, एंडोजेनिक, और दूसरा एक्सोजेनिक। पृथ्वी के अंदर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको एंडोजेनिक बोल रहे हैं, पृथ्वी के बाहर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको एक्सोजेनिक बोलते हैं। बाहर में आपको दो चीज़ देखेंगे, आपको एक तो इरोजन और डिपोजिशन, इरोजन और डिपोजिशन करने वाले जो फैक्टर्स हैं या एजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, रिवर्स, या हम कह सकते हैं वाटर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
एंडोजेनिक की बात करें तो उसमें दो प्रकार के सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बनते हैं और सॉरी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से माउंटेन्स बनते हैं और सडन फोर्सेस की वजह से अर्थक्वेक, वॉल्केनो या और लैंडस्लाइड्स, ये सारी घटनाएँ होती हैं। ठीक है, अब चैप्टर में आते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये तो मैंने बेसिक्स बताया जो आपको क्लास सिक्स सेवन्थ की ज्योग्राफी में मिलेगा। अब यहाँ पे जो वर्ड दे रखा है वो दे रखा है माउल्डिंग फोर्सेस या टेक्टोनिक फोर्सेस, जो वही चीज़ है अर्थ में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, माउल्डिंग फोर्सेस बोलो या टेक्टोनिक फोर्सेस बोलो बस। ठीक है, तो मैनी फोर्सेस हैव बीन वर्किंग टू चेंज द लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड माउल्डिंग फोर्सेस और टेक्टोनिक फोर्सेस। समझ गए, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। बहुत सारे फोर्सेस कौन कौन से, जैसे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक काम कर रहे हैं और इनकी वजह से आपको पता है हमारी जमीन पर लैंड फॉर्म्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लैंड फॉर्म बनते हैं और बिगड़ते हैं। अब सपोज वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो ऊपर आके ठंडा होगा और ठंडा होगा तो रॉक बनेगी, इग्नियस रॉक बन जाएगी। सिंपल सी बात है, वही रॉक अगर हवा चलेगी या फिर उस पर पानी फ्लो करेगा तो उसमें इरोजन होगा, इरोजन होगा तो वो रॉक धीरे धीरे लॉस होने लगेगा। सिंपल सी बात है, तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं ताकि अर्थ की सरफेस पर जो लैंड फॉर्म्स हैं वो चेंज हो सकें। ठीक है, और इन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, माउल्डिंग फोर्सेस या टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, टेक्टोनिक फोर्सेस या माउल्डिंग फोर्सेस की बात करें तो ये दो प्रकार के हैं, एक है इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस और दूसरा है एक्सटर्नल माउल्डिंग फोर्सेस। यहाँ पर एंडोजेनिक एक्सोजेनिक नहीं दे रखा अपनी बुक में, तो क्या दे रखा है, इंटरनल, एक तो अंदर काम कर रहे हैं और एक बाहर की तरफ काम कर रहे हैं। अंदर कौन कौन से काम करते हैं, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, नेचुरल फोर्सेस, ये तो इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस में आ गए। एक्सटर्नल में क्या आएगा, वेदरिंग फोर्सेस और इरोजन फोर्सेस। वेदरिंग मतलब वेदरिंग अभी मैं समझाऊंगा इसके बारे में, जो रॉक्स होती हैं रॉक्स का ब्रेक होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाना है। फिर रॉक्स का ब्रेक हो गया, उनके जो सेडिमेंट्स उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना इरोजन कहलाता है, और किसी जगह पे जाके डिपोजिट हो जाना डिपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस के बारे में, और इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस में आज हम शुरुआत करेंगे वोल्केनो की, फिर हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक, फिर सुनामी, नेचुरल फोर्सेस, इन सबको कवर करेंगे और उसके बाद करेंगे एक्सटर्नल माउल्डिंग फोर्सेस। तो इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस या इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की शुरुआत करते हैं। तो पहली बात, दीज फोर्सेस कंटिन्यू टू वर्क इनसाइड द अर्थ, ये फोर्सेस कहाँ पर काम करते हैं, पृथ्वी के अंदर काम करते हैं। सिंपल सी बात है, दीज फोर्सेस ओरिजिनेट ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पता है पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कोर में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और लगातार यहाँ पर क्या होता रहता है। अब देखो पृथ्वी के अंदर अंदर भी कई टाइप की क्या पाई जाती हैं, रॉक्स पाई जाती हैं, और ये रॉक्स जो होती हैं इनमें लगातार एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इनमें ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी वजह से लगातार मूवमेंट होता रहता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं और इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हमें पृथ्वी के ऊपर सरफेस पर कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, कई बार वोल्केनिक इरप्शन आ जाता है, कई बार सुनामीज आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो दीज फोर्सेस ऑल्सो ओरिजिनेट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हॉट मोल्टन मैग्मा। अब देखो अपनी पृथ्वी की लेयर्स हमने देखी थी, सबसे बाहर क्रस्ट, फिर आपकी मेंटल और सबसे अंदर कोर। तो कोर में आपको मैंने बताया था चीज़ें कैसी हैं, मोल्टन कंडीशन में मतलब लिक्विड कंडीशन में, बिल्कुल गर्म है, टेम्परेचर बहुत है, और पिघली हुई कंडीशन में। तो पिघली हुई कंडीशन में जो यहाँ पे मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। तो मैग्मा में जब मूवमेंट होता है ना तो उसकी वजह से भी इसमें पृथ्वी में कई सारे फोर्सेस काम करते हैं और कई सारे चेंजेज आते हैं, और कई बार ये मैग्मा बाहर आ जाता है, और बाहर आ जाता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि रॉक्स कितने प्रकार की हैं, तो आपको बताना है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो रॉक बनती है इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इनका धीरे धीरे करके इरोजन होता है, इरोजन होता है तो क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, क्योंकि सेडिमेंट्स जमते जाते हैं जमते जाते हैं जमते जाते हैं। और जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में आती हैं तो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं। ये तो जस्ट एक आपको याद रखना है एक्स्ट्रा नॉलेज में। ठीक है, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस ही काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो बेटा जब इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस परपेंडिकुलर काम करते हैं, पहली बात तो ध्यान रखना परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस में अगर ऐसे पैरेलल कोई चीज़ है तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और अर्थ की सरफेस को कोई ऐसे हैं 90 डिग्री पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, तो व्हेन माउल्डिंग फोर्सेस वर्क परपेंडिकुलर टू दी अर्थ, पृथ्वी के कैसे काम करते हैं, परपेंडिकुलर काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंट बनते हैं, आइलैंड बनते हैं,
प्लेट्यूज बनते हैं, सी बनते हैं। कॉन्टिनेंट आपको पता ही है, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं। आइलैंड्स आप जानते हो जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं, उनको आइलैंड आइलैंड बोलते हैं। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान रखना, कॉन्टिनेंट आइलैंड लगते एक जैसे हैं। कॉन्टिनेंट बट बड़े होते हैं और आइलैंड छोटे होते हैं, और दोनों में एक सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही चारों तरफ किससे घिरे होते हैं, पानी से। जैसे मान लो ये कोई कॉन्टिनेंट है, ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से, ठीक है। तो एक लार्ज लैंड मास है। आइलैंड क्या होता है, छोटा सा लैंड मास होता है जो चारों तरफ किससे घिरा होता है, पानी से। तो ये कॉन्टिनेंट का बनना, आइलैंड्स का बनना, प्लेट्यूज का बनना, सी का बनना, ये सब किसका रिजल्ट है, जब ये कब बनते हैं, जब माउल्डिंग फोर्सेस कैसे काम करते हैं, अर्थ के परपेंडिकुलर काम करते हैं बस। और जब माउल्डिंग फोर्सेस या टेक्टोनिक फोर्सेस हॉरिजॉन्टल काम करते हैं अर्थ के, तो हॉरिजॉन्टल होने की वजह से क्या होता है, फोल्ड होते हैं और फिसर्स डेवलप होते हैं सरफेस पर। फोल्ड और प्रेशर डेवलप होते हैं जिसकी वजह से माउंटेन और वैलीज का निर्माण होता है। अब आपको हॉरिजॉन्टल कैसे काम करेंगे, मान लो एक प्लेट ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, या एक प्लेट ये है टेक्टोनिक प्लेट। जब ये प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, टकराती हैं, तो टकराने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेज आते हैं, ठीक है। और कई बार टकराने की वजह से जैसे फोल्ड भी आ जाता है। जैसे मान लो ये कोई प्लेट है आपकी, एक इधर से फोर्स लगाओ, इधर से फोर्स लगाओ, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, मतलब लग कैसे रहा है हॉरिजॉन्टली, तो इसमें कई बार क्या है, फोल्ड पड़ जाते हैं। तो उस वजह से क्या बनते हैं, माउंटेन और वैलीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, जब माउल्डिंग फोर्सेस अर्थ के परपेंडिकुलर काम करते हैं तो कॉन्टिनेंट आइलैंड प्लेट्यूज और सी बनते हैं। जब माउल्डिंग फोर्सेस अर्थ के हॉरिजॉन्टल काम करते हैं तो फोल्ड और फिसर्स, फोल्ड का मतलब ऐसे करके फोल्ड बन जाते हैं, फिसर्स का मतलब क्रैक्स से डेवलप हो जाते हैं, कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर। तो फोल्ड जब होते हैं तो माउंटेन बनते हैं, और फिसर्स जब डेवलप होते हैं तो वैलीज का निर्माण होता है, घाटीज जहाँ पर रिवर फ्लो करती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वोल्केनो के बारे में, सारी चीज़ें जानेंगे वोल्केनो के बारे में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वोल्केनो क्या है, ये देखो पृथ्वी के अंदर से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है, मोल्टन मैग्मा निकल रहा है। जब ये मैग्मा निकल के बाहर आके जमने लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, या बाहर आ जाता है तो ये मैग्मा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, गर्मा गर्म लावा। ये देखो लावा निकल के आ रहा है, किसका रिजल्ट है, ये भी वोल्केनिक इरप्शन का ही रिजल्ट है, बहुत बर्बाद कर देते हैं। तो देखो पृथ्वी के भीतर चैम्बर में मैग्मा है, जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। मैग्मा जिस चैनल से बाहर आता है उसको हम बोलते हैं मेन वेंट, ठीक है। कई बार ऐसे साइड से भी निकल जाता है ये, इसको सेकेंडरी वेंट बोलते हैं। जहाँ पर ऊपर निकलता है वहाँ पर गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है, उसको क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ में एस और वोल्केनिक बॉम्ब्स, एस क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, मतलब धुआं भी निकलता है और राख वाख ये सारी चीज़ें भी निकलती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैग्मा चैम्बर है, यहाँ से आता है और बाहर निकलता है, बाहर निकलता है तो इसके साथ कई सारी गैसेस, मतलब क्लाउड्स बन जाता है एक प्रकार का, ठीक है। ओके, तो वोल्केनो के बारे में क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शन हैपन्स ड्यू टू इंटरनल माउल्डिंग फोर्सेस या इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस। तो वोल्केनिक इरप्शन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से हो रहा है। वोल्केनो इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू ए नैरो पासेस एंड लावा कम्स आउट थ्रू दिस नैरो पासेस। मैंने क्या बताया था, वोल्केनो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, अर्थ से, किससे, नैरो पास, और इसी नैरो पास को हम क्या बोलते हैं, मेन वेंट, मेन वेंट। और नीचे क्या निकल के आता है, उसमें से लावा निकल के आता है, क्या निकल के आ रहा है, लावा निकल के आता है। इट क्रिएट्स टर्बुलेंस इन साइड दी अर्थ, इसकी वजह से अर्थ में क्या आते हैं, टर्बुलेंस, मतलब हलचल पैदा हो जाती है। एंड व्हेन वोल्केनो इरप्ट्स इट शेक्स दी अर्थ, तो कई बार वोल्केनिक इरप्शन होता है ना तो उस समय अर्थक्वेक भी आता है। अब वोल्केनिक इरप्शन होता है बहुत तेज धमाका सा होता है, धमाका सा होता है, आपने देखा हो ना कई बार, मतलब पटाखे भी चलाते हैं दीपावली पे तो धमाका इतना भयंकर होता है, तो हिल जाते हैं आसपास। तो वोल्केनिक इरप्शन में तो भयंकर तरीके से धमाका होता है। तो जब ये वोल्केनो इरप्ट करते हैं, इरप्ट मतलब जब ये फटते हैं, वोल्केनो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उस समय पृथ्वी भी क्या हो जाती है, हिल जाती है, शेक का मतलब हिल जाती है। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन स्मोक एस वेपर गैसेस कम्स आउट, जो वोल्केनिक इरप्शन होगा तो स्मोक धुआं निकलेगा, एस निकलेगी, वेपर गैसेस, ये सारी चीज़ें भी निकल के आती हैं। आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन हैव न्यूमरस वोल्केनोज। अब जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, आपको पता है पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, तो इसमें जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर कई सारे वोल्केनोज पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनो, कई बार क्या है वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से हॉट स्प्रिंग्स बन जाती हैं। हॉट स्प्रिंग्स में क्या होता है, जमीन में से, अब मान लो वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो यहाँ से एक ओपनिंग हो गई, तो इस ओपनिंग में होके क्या होता है, कई बार पानी निकलता है या कई बार भाप सी निकलती है गर्मा गर्म, क्योंकि नीचे क्या है आपको पता है ज़्यादा टेम्परेचर है, तो अगर यहाँ पानी वानी भर गया तो वो पानी गर्म होके
ये क्या क्या किसका रूप ले लेता है, स्प्रिंग का रूप ले लेता है, और वहाँ से मतलब गर्मा गर्म थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। कई जगह पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड के कई सारे प्लेसेस पे जहाँ पर गर्म पानी निकलता है, और कई जगह पे तो ऐसे वाटर वेपर भी निकलती है और उससे एनर्जी भी बना लेते हैं। कई जगह पे एनर्जी भी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रहे ना, वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे होता है उसकी वजह से हॉट स्प्रिंग भी बन जाती हैं जहाँ पे मतलब गर्म पानी निकलता है या वाटर वेपर निकलती है। ठीक है, सम वोल्केनोज आर एक्टिव एंड सम आर इनएक्टिव। अब आज की डेट में कई जगह पे कुछ वोल्केनो तो ऐसे हैं जिनको इरप्ट हुए, ज्वालामुखी को फटे कई सालों हो गए, तो जब वोल्केनो फटना बंद कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में, तो जहाँ पे वोल्केनो चालू हैं कभी भी फट सकते हैं उनको एक्टिव वोल्केनो जो बोलते हैं। जो ज्वालामुखी फटे हुए उनको इरप्ट हुए बहुत सालों हो गए या उनका कोई अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इनएक्टिव। तो कई बार क्या होता है, ये बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैनी यूजफुल केमिकल्स लाइक सल्फर, बोरिक एसिड एंड प्रीशियस मेटल्स कम्स आउट विद लावा। तो जब ये लावा बाहर निकलता है तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई सारी केमिकल्स आते हैं जैसे सल्फर, बोरिक एसिड और कई सारे प्रीशियस मेटल्स भी निकल कर आते हैं। ठीक है, तो बहुत भयानक कंडीशन आती है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो अर्थक्वेक भी आता है, और अर्थक्वेक में देखो क्या हालत हो गई, घर वर गिर जाते हैं, सड़क वड़क टूट जाती हैं, ये अर्थक्वेक का रिजल्ट है। ठीक है, अर्थक्वेक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही, देखते हैं बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।